नमस्कार दोस्तों, हेरिटेज बोर्ड के शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 1.85% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह नोटिस कर सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है। पिछले कई दिनों से देख रहे हैं स्टॉक एक ही जगह में रेंज बना के ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल आता है क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पर नोटिस कर सकते हो हेरिटेज फूड शेयर स्टॉक अपने जैक लेके हायर है बना के स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, और ऊपर बढ़ते बढ़ते स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगा 727 को हाई लगा दिया, और उसके बाद जो स्टॉक ने नीचे आया तो आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट बनाया 549-550 को, देन स्टॉक ने यहाँ पे हाई लगा 594, राइट। तो इसके इसको जब ब्रेकडाउन किया तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिल रहा है 520 में, तो यहाँ पर जब स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ रहा है तो जैसे स्टॉक अपना 594 का लेवल को ब्रेकआउट करेगा स्टॉक में तेजी आएगा और स्टॉक अपना 727 का लेवल को हिट करेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अभी जो मतलब कि जो लेवल है, तो इसके सामने जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपको 594 को फॉलो करना है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही आपके सामने डिस्कस किया था ये बातें, जब स्टॉक यहाँ पे धीरे धीरे नीचे गिर रहा था तो मैंने आपको यहाँ से एक ट्रेलाइन ड्रॉ करके दिखाया था कि जब स्टॉक नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम संभावना यहाँ तक आने का रहेगा, और जब इस ट्रेलाइन को टच करेगा फिर जाके स्टॉक में तेजी का मूवमेंट रहेगा। अदरवाइज इसके बीच में जैसे कि यहाँ से मूवमेंट बनाया था लेकिन वो फेल हो गया, राइट। तो अभी भी संभावना है कि स्टॉक अपना ट्रेलाइन के पास में अगर आ, और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लेवल है थोड़ा सा स्ट्रांग है, तो मैक्सिमम संभावना यही रहेगा जब यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तो बड़ा तेजी नजर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।